हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 30 जनवरी, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डे मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, शहीदी दिवस कौन से दिन इंडिया में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी। ओके, 30 जनवरी को। अब इसके हिस्ट्री देखेंगे क्या हुआ इसमें। द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, इनका मर्डर किया गया था बाय नथुराम गोडसे इन बिरला हाउस शाम को 30 जनवरी 1948 को। ओके, गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर थे, काफ़ी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले मैन थे, तो उनका मर्डर किया गया था 30 जनवरी 1948 को। तो इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं मार्टियर्स डे। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, एज वी नो कि 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस और मार्टियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं महात्मा गांधी जी की मेमोरी में, ठीक है। बट 23 मार्च को भी मार्टियर्स डे जो ऑब्जर्व किया जाता है टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो 23 मार्च को भी ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो ये कौन कौन से 3 फ्रीडम फाइटर्स थे जो हमारी कंट्री के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था? भगत सिंह, शिव राजगुरु, देन उसके बाद सुखदेव। ये 3, इनका नाम भी आपको यहाँ याद रखना है। 23 मार्च का भी डेट आपको याद रखना है, 30 जनवरी का गांधी जी की कि जिस दिन इनका मर्डर हुआ था उस दिन के डे को ऑब्जर्व किया जाता है मार्टियर्स डे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप ए वॉर मेमोरियल फॉर द एनिमल्स इन विच इंडियन स्टेट। लाइक जैसे आपने हमारे जो शहीद हो जाते हैं लाइक सोल्जर्स, उनके लिए मेमोरियल मिलता है, लाइक सेम इन लाइक फॉर्म की एनिमल्स की जो भी लाइक अपना सेक्रीफाइस देता है और जो ब्रेव एनिमल्स होते हैं, तो इस तरीके का एक वॉर मेमोरियल सेटअप करेगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन सी इंडियन स्टेट में एंड कहाँ पे। ओके, तो यूपी में इसे बनाया जाएगा, यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरठ में ये बनेगा फॉर मेमोरियल। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यूपी इज द करेक्ट आंसर। अबाउट दिस यूपी, देखो यूपी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, सीएम इज योगी आदित्यनाथ, कैपिटल लखनऊ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था जी, 24 जनवरी 1950। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा है हमारी कंट्री का। ओके, नॉट इन एरिया वाइज, इट्स पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान। यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन, सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में ही मिलता है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क आपको जरूर याद रखना है। स्टेट एनिमल बारहसिंगा एंड स्टेट बर्ड सारस क्रेन। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, देखो ये चीज़ें मैं एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, मैप की हेल्प से भी आपको स्टेट के बारे में समझाऊंगा। सो इस तरह से जैसे हमारे स्टेट्स आते रहेंगे, तो जैसे डे बाय डे करके, एक दिन में तो सारा पॉसिबल नहीं है, बट जैसे स्टेट्स आएंगे मैं सारे स्टेट्स को इस फॉर्मेट में समझाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट करते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज बीन कन्फर्ड विद हरित रत्न अवार्ड 2019, तो किसे सम्मानित किया जाएगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर डॉक्टर एन कुमार। अब इनके बारे में देखते हैं पूरा डिटेल में। ओके, वाइस चांसलर ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन कन्फर्ड विद हरित रत्न अवार्ड 2019। इनको ये अवार्ड दिया गया ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन, ये जो अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, ही वॉज अवार्डेड फॉर डेसिमिनेशन ऑफ अराउंड, इन्होंने 30 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट जो एग्रीकल्चर बिजनेस एंड फॉर द मोटिवेटिंग स्टूडेंट टूवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर इन तमिलनाडु। तो ओके, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, तो इन्हें सम्मानित किया गया। दिस अवार्ड वॉज कन्फर्ड एट द 5th नेशनल यूथ कन्वेंशन एट इंदिरा गांधी कृषि विद्वान विश्वविद्यालय इन रायपुर रिसेंटली। ओके, तो याद रखेंगे इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, डॉक्टर एन कुमार। बाकी जितने भी ऑप्शंस में हैं, तरनजीत सिंह सिंधु, इन्हें भी हाल ही में अपॉइंट किया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सुनील मेहता अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन के न्यू CEO बने हैं। खगेंद्र थापा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपाल के थे एंड दुनिया के सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन थे, जिनका भी हाल ही में इनका डेथ हुआ था। ओके, तो ये सारी डिटेल्स याद रखने, डॉक्टर एन कुमार इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखो पूरे साल भर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा, जनवरी से लेकर दिसंबर 2019, यानी कि पूरे साल भर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2000+ क्वेश्चंस आपको इस मिल जाएंगे स्पेशल पीडीएफ में, जो आपको परचेज करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 69 रुपीज़ में आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू प्राइम मिनिस्टर बने कतार के, नाउ यू हैव टू आंसर कि इनको किसको अपॉइंट किया गया, न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया। वेल, ये दो ऑप्शंस लिखे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये कितना लंबा नाम, यस एग्जैक्टली इनका पूरा नाम यही है जो न्यू अपॉइंट हुआ। देखो मैक्सिमम ना आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो, बिकॉज
सेम सेम नाम है, जो न्यू अपॉइंट हुए शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दिलेज अल थानी जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने कतार के। तो इससे पहले कौन थे? शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी। ओके देखो ये बिल्कुल सेम सेम, तो बट ध्यान रखना इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से ये वर्ड देख लो तो भूलोगे नहीं। ओके तो याद रखना अबाउट द कंट्री मिडल ईस्ट, कंट्री इन द मिडल ईस्ट एंड कैपिटल इसकी दोहा है, कतारी रियाल इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री कतार। ओके बेंजामिन नेतन्याहू ये हैं जी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, स्कॉट मॉरिसन ये हैं जी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ओके नेक्स्ट करते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च वर्चुअल पुलिस स्टेशन। वर्चुअल पुलिस स्टेशन में क्या होगा कि आपको खुद से फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई FIR दर्ज करवानी है, लाइक अगर आपका कोई व्हीकल मिस हो गया, लाइक आपका व्हीकल कोई चोरी हो गया, तो आपको FIR करवाने के लिए खुद से पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ पुलिस स्टेशन डैट इज़ वर्चुअल पुलिस स्टेशन। तो कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? वेल पिक्चर आपके सामने है जी, आप पहचान जरूर गए होंगे। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ओके उड़ीसा के CM हैं जी नवीन पटनायक एंड वहाँ पे ये इसको लाइक शुरू किया गया वर्चुअल पुलिस स्टेशन। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जी हमारा विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी तबलाव वॉज एडजस्ट एज द बेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड, यानी कि किस राज्य की केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को रिपब्लिक डे के 2020 परेड में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया। ओके तो बताना कि कौन सी स्टेट की झांकी को, ठीक है? तो स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी असम। ओके असम के बारे में कैपिटल आपको ये झांकी देख लो आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। 71वां यानी कि 71st रिपब्लिक डे अभी हाल ही में हमने ऑब्जर्व किया असम के बारे में। बेसिक डिटेल्स, कैपिटल दिसपुर है, CM इज सर्वनंदा सोनवाल एंड द गवर्नर इज जगदीश मुखी। ओके नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल डैट गवर्नमेंट लॉन्च रिसेंटली टू स्पीड अप कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर नेशनल हाईवेज़। ओके नेशनल वर्क्स के काम को लाइक जो भी प्रोजेक्ट आप देखते हो, कोई भी अगर हाईवे बन रहा है तो उसके प्रोजेक्ट को लाइक प्रॉपरली करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस प्रोडक्ट पोर्टल का नाम है गति। अब इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको क्या है बेसिकली। ओके तो गति की हेल्प से क्या होगा कि एक वेबसाइट बनाई जाएगी, अगर कोई भी जैसे कोई भी लेकिन निचुअली कोई भी पर्सन होगा तो कोई भी अगर कोई जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है अगर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कहीं पर प्रोजेक्ट रुक चुका है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं एंड सीनियर ऑफिशियल्स इसको पूरी देख रेख करेंगे। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जिसके मिनिस्टर नितिन गडकरी। ओके तो याद रखना इस पोर्टल का नाम है गति। तो लाइक इसके काम को तेज़ करने के लिए, तेज़ी लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। ओके नेक्स्ट करते हैं, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फोर्थ टू पास रेजोल्यूशन डिमांडिंग स्क्रैपिंग ऑफ CEA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि अब इसको लाइक स्थगित करने के लिए, समाप्त करने के लिए लाइक इसको रेजोल्यूशन पास किया एंड ये स्टेट बन गया जी फोर्थ इंडियन स्टेट। तो चौथा इंडियन स्टेट बन गया जी ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। इससे पहले तीन इंडियन स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट CAA वो बना था केरल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जरूर याद रखिएगा, एंड सेकंड पंजाब, थर्ड राजस्थान बना था एंड द फोर्थ वन इज़ नाउ वेस्ट बंगाल। ओके देखो ये वेस्ट बंगाल के बारे में ऑलरेडी मैं इस तरीके से फॉर्मेट इंक्लूड कर चुका हूँ तो ये अब ईजी रहेगा, जैसे स्टेट आएगा तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा। CM ममता बनर्जी, गवर्नर जयदीप धनखड़। ओके बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी आपको याद रखने। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली रिसेंटली पास्ड ए रेजोल्यूशन टू अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया किस स्टेट ने, एंड दिस इज चेयर्ड बाय द CM ऑफ दैट स्टेट दैट इज YS जगनमोहन रेड्डी। मैंने YS जगनमोहन रेड्डी बोला तो आपने आंसर गैस कर लिया, एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश। ओके इसके मेन दो रीजन्स थे, सबसे बड़ा आपको पता है कि लाइक आंध्र प्रदेश चाहता था कि तीन कैपिटल्स बनाना चाहता था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव। सो इस वजह वो भी पास नहीं हो पाया तो इसको पास किया गया, इसको खंडित कर दिया गया लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करने का लाइक प्रस्ताव पारित कर दिया कि कौन से स्टेट ने, यह जी आंध्र प्रदेश। ओके इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको क्लियर है, CM बता चुका हूँ, गवर्नर इज बिश्वाभूषण हरिचंदन, ये आपको याद रखना है, कैपिटल इज अमरावती एंड तीन कैपिटल्स बनाने का प्रस्ताव लाइक सोच विचार यही स्टेट कर रहा था। ओके आंध्र प्रदेश। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शिप बिल्डर इज टू बी डिलीवर द एंटी सब मैराइन स्टेल्थ वारशिप INS कावरती टू इंडियन नेवी। ओके ऑलमोस्ट इस पर पूरा प्रोजेक्ट बन कंप्लीट हो चुका है, तो आपको बताने कि कौन सा शिप बिल्डर इसे डिलीवर करेगा टू इंडियन नेवी।
तो कौन सी ये लाइक शिप बिल्डर इसे बना रहा है, ओके INS कवरती, तो ये बना रहा है जी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ज़रूर याद रखिएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ओके हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो अगर स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के जो मुझे बोल रहे थे कि सर हिंदी में लाओ, सो इस वजह से हिंदी में भी आप हिंदी में भी देख सकते हो, ओके सो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, नो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अभी ये पॉइंट किया गया, वेल इन द वीडियो में आपको ऑलरेडी आंसर बता चुका हूँ, बट स्टिल यू हैव टू आंसर दिस, आपको ये बाकी जितने ऑप्शन हैं ये भी किसी ना किसी कंट्री के एम्बेसडर हैं, ओके कोशिश करो ये भी बताओ एंड इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ, ओके सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, वीडियो अच्छा लगा आपको, वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करो, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं बट उसको लाइक नहीं करते हो आप लोग, तो प्लीज़ डू लाइक टू कीप मी मोटिवेटेड, बिकॉज आप लोग लाइक शेयर करते हो इज़ द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, थैंक यू।